दुनिया में नींबू की कई प्रजातियां मौजूद हैं। कागजी नींबू उन्हीं अनेक प्रजातियों में से एक है जो आकार में छोटा होता है। इसको सलाद, अचार और शरबत बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कागजी नींबू का रस और शरबत पीने से शरीर में ताजगी और स्फूर्ति का भाव जागृत होता है। आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में भी कागजी नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। कागजी नींबू हमारे शरीर को अनेक बीमारियों से बचाता है। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को आप सल्टिया बीबीसी कोटाबाग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सुभाष भारद्वाज। मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली नई नई वीडियोज़ के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएँ। तो चलिए मित्रों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कागजी नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कागजी नींबू शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही त्वचा संबंधी और पाचन संबंधी परेशानियों को भी दूर करता है। कागजी नींबू के फायदे इस प्रकार हैं। कागजी नींबू का रस मोटापा कम करता है। बालों की समस्या को दूर करता है कागजी नींबू। पेट की परेशानियों को दूर करता है कागजी नींबू। भांग या शराब के नशे को उतारने में मदद करता है कागजी नींबू। ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है कागजी नींबू। आंखों की परेशानियों को भी दूर करता है कागजी नींबू। याददाश्त को बढ़ाने में सहायक होता है कागजी नींबू। एनीमिया की परेशानी को भी दूर करता है कागजी नींबू। एसिडिटी में फायदा पहुंचाता है कागजी नींबू। मधुमक्खी के काटने पर फायदा देता है कागजी नींबू। तो मित्रों, यह थी हमारे YouTube चैनल सल्टिया बीबीसी कोटाबाग पर कागजी नींबू के चमत्कारी फायदे इस टॉपिक पर एक महत्वपूर्ण वीडियो। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, इस वीडियो में आपके साथ मैं था सुभाष भारद्वाज। जल्दी ही एक नए टॉपिक पर नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।